हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आव्यूह क्या है, आव्यूह की परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा। बेसिक डेफिनेशन है हमारी आव्यूह की, mn संख्याओं को आयताकार सरणी यानी रेक्टेंगुलर अरे में व्यवस्थित करते हैं जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ होते हैं। इसे m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को इस ब्रैकेट या फिर इस ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। आव्यूह के mn संख्याओं में से प्रत्येक को आव्यूह का अव्यय कहते हैं। इसे क्रमशः a, b, c, n इत्यादि से निरूपित करते हैं। यदि कोई अव्यय आव्यूह a के iv पंक्ति तथा j वे स्तंभ में हो तो इसे ij वहां का अव्यय कहते हैं तथा इसे aij से निरूपित करते हैं। एग्जांपल के रूप में a इज इक्वल टू आव्यूह a11, a12 एंड सो ऑन an 1n, a21, a22, and so on, a2n, and so on, am1, m2, and so on, am, is equal to aij, m cross n, जहां aij आपके अव्यय हैं और m cross n उसकी कोटि है। उसी के दूसरा एग्जांपल है a is equal to 2, 3, 2, 7, 5, minus 4, 6, 4, 8, 12, a 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है। आव्यूह केवल संख्याओं की साधारण व्यवस्था है, इसका कोई मान नहीं होता। जैसे आव्यूह 7 does not equal to 7। अब हम लोग आव्यूह के प्रकार की परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। आव्यूह कितने प्रकार की होती है। पहला है शून्य आव्यूह, इसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वह आव्यूह जिसके सभी अव्यय शून्य हों, m क्रॉस n कोटि का शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे O से निरूपित करते हैं। जैसे O is equal to 0, 0, 0, यह 2 क्रॉस 2 कोटि का शून्य आव्यूह है। दूसरी है पंक्ति आव्यूह, इसे रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे A is equal to, इसको पंक्ति रूप में लिखा है 7, -5, 9, 1 क्रॉस 3 कोटि का एक पंक्ति आव्यूह है। तीसरी है स्तंभ आव्यूह, इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे स्तंभ के रूप में लिखा है 1, 2, 3, एक स्तंभ आव्यूह। फोर्थ है वर्ग आव्यूह, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 3 क्रॉस 3, एक वर्ग आव्यूह है। फिफ्थ है विकर्ण आव्यूह, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अव्यय को छोड़कर सभी अव्यय शून्य विकर्ण आव्यूह कहलाता है। That is aij is equal to 0 for all i does not equal to 0। जैसे a is equal to 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, एक विकर्ण आव्यूह है। सिक्स है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अव्यय समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर लिया a इज इक्वल टू 500005005। अब यहाँ पर विकर्ण देखिए आपके कैसे समान है, यह एक अदिश आव्यूह है। आज हम लोगों ने आव्यूह के कुछ प्रकार और आव्यूह की परिभाषा के बारे में पढ़ा। थैंक यू।